हेलो फ्रेंड्स वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो ये है शादी के शॉपिंग ब्लॉग पार्ट टू तो इसमें अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था अलहमद और फिर अब हम गए थे सेंट्रल्स रोड के स्टेशन पे थे और उसके बाद स्टेशन के पास में ही ज्वेलरी की शॉप है जो कि है शाह शीला जी असाजी ज्वेलर्स जो कि हमारे बहुत ही पुराने ज्वेलर हैं मतलब हम बहुत सालों से मतलब पुश्तैनी नहीं ज्वेलर जैसे कहते हैं ना आप कि बहुत ही पुश्तों से मतलब उनके पास ही बनाते हैं गोल्ड और तो एकदम ट्रस्ट वदी है हम वहीं से बनाते बहुत से शॉप्स से दूसरे भी ऑप्शन बहुत होते हैं बट हम कहीं नहीं जाते क्योंकि हमें इन पर ट्रस्ट है और हमने बहुत बार कंपेयर भी किया है इनके शॉप की गोल्ड को और दूसरे शॉप की गोल्ड को मतलब इसकी जो शाइन है ना इनके गोल्ड की बहुत सालों तक तो रहती है मतलब अच्छा रहता है गोल्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है तो हम वही से बनाते हैं तो हम वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये जूस मंगाया और हमने जूस इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने भी ट्रीट हमेशा वो अच्छे से ट्रीट करते हैं तो उनको मैंने जैसे कहा कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाती हूँ तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और फिर मैंने मतलब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो परमिशन लेके कर ही वीडियो बनाती हूँ तो फिर मैंने वहाँ का भी वीडियो ले लिया और फिर हम वहाँ से निकल चुके थे अब गोल्ड का हमारा जो भी लेना था वो काम हो गया था अलहमद तो हमने सब चूज़ कर लिया था और बनवाने दे दिया था तो अभी हमें मिला नहीं ये गोल्ड और मैंने क्या क्या ख़रीदा मैंने क्या क्या लिया अपने लिए वो मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगी तो आपको उसके लिए मेरी शादी तक का वेट करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए जो मेरे लिए ले रही हूँ वो मैं आपको नहीं बताऊंगी मैं आपको तभी बना बताऊँगी जब मैं पहनूंगी और फिर अब हम आ गए थे बर्तनों की शॉप पे यहाँ पे बर्तन बहुत ही ज़्यादा अच्छे और होलसेल रेट में मिलते हैं नल बाज़ार में आप अंदर अंदर जाओगे तो आपको बहुत थोड़ा चलना पड़ता है नल बाज़ार में और फिर ये सब शॉप्स मिलती है लाइन से ये होती है चाहिए तो इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, में मेंशन करती हूँ आप वहाँ से जाना और लेना बहुत ही अच्छे मतलब यहाँ पे कैटरर्स के लिए यहाँ से बर्तन जाते हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स हैं उनके लिए यहाँ से बर्तन जाते हैं तो मुझे तो मतलब आपको पता है मुझे कितना क्रेज़ है बर्तन वगैरह के तो मैंने वहाँ से ले लिए बर्तन जो मुझे चाहिए था उसके बाद फिर हमें लगी भूख फिर हम चलते चलते आ गए वहीं पर सामने छाले शालीमार और कैफे निजारी था तो शालीमार हमने थोड़ा स्किप किया और फिर कैफे निज़ारी में गए क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ खाना नहीं था मतलब ऐसे ही हम जूस पीते ऐसी तो भूख ज़्यादा नहीं थी तो फिर हम कैफे निज़ारी में जाके हमने चिकन अंगारा और रोटी लेके वो खाया अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम हमने अच्छे से खा लिया और शॉपिंग करते करते हमें खाने का ध्यान भी नहीं रहता कभी कभी तो हम खाना भी भूल जाते थे बस ऐसे ही चलते फिरते कुछ भी खाते थे या जूस पीते थे खाना भी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा था खाना खाने के बाद उसके बाद ही मतलब शालीमार के सामने वाली जो गली है वहीं से चलते चलते आपको ये शॉप मिल जाती है जो कि कार्ड की हम वहाँ पे गए थे कार्ड सिलेक्ट करने जो वेडिंग का कार्ड होता है वो हमें बनाना था तो वहाँ पे हम गए सिलेक्ट करने के लिए शॉप का नाम था सैफी वेडिंग कार्ड्स और बहुत ही अच्छा शॉप था और बहुत ही अच्छे अच्छे वैरायटीज़ थे वहाँ पे एनवेलप्स थे कार्ड्स थे और डिजिटल कार्ड्स थे बहुत ही तरह तरह के कार्ड थे तो हमने भी अपना चूज कर लिया और वहाँ पे दे दिया था हमने प्रिंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शन थे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वहाँ पर वो लोग ट्रीट भी बहुत अच्छे से करते हैं फिर उसके बाद हमने कार्ड्स बनाने के लिए दे दिया और उसके बाद फिर हम आ गए हैं चकाला मार्केट सकला मार्केट बर्तनों की ही मार्केट है बट यहाँ पे बर्तन मतलब कांच के फ़ाइबर के बर्तन बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं सिर्फ बर्तन नहीं और बहुत सी चीज़ें वहां मिलती है बट ये जो फ़ाइबर के कांच के डिनर सेट्स लेमन सेट्स और जो भी बहुत से टी सेट्स वो सब चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में होलसेल रेट में मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वराइटीज़ होती है तो बर्तन तो चाहिए ही होते हैं और हम सबको हम लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं तो फिर मुझे भी लेने थे कुछ कुछ अपने लिए तो मैं चली गई थी वहाँ पे से मैंने लिए ये वीडियोज़ मैं आपको इन्फॉमेशन के लिए दे रही हूँ कि आपको भी शॉपिंग करनी हो तो आप ऐसी जगह पर जाके कर सकते हो ठीक है बहुत ही ज़्यादा अच्छी वराइटीज़ और बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट्स में मिलते हैं और नई नई तरह की चीज़ें मिलती हैं मतलब अगर आपके वहाँ पे थोड़ा महंगा हो तो वहाँ पे कम रेट में मिल जाता है और ये कप्स वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे लग रहे थे तो मैंने आप सबके लिए टेक ले लिया तो आप मुंबई टाउन में जाके सी एस टी स्टेशन पर अगर उतर के भी चकाला मार्केट मैप पे टाइप कर दोगे तो आपको वो सही से लेके जाएगा आपने चकाला मार्केट में एंटर किया तो बहुत सारी शॉप्स है आप कोई किसी भी शॉप में जा सकते हो वहाँ पे बहुत सी शॉप्स है और सब में अच्छी वराइटीज़ है उसके बाद हमें भूख लग गई क्योंकि डिनर टाइम हो गया था फिर हमने डिनर करने गए थे गुलशन ईरान रेस्टोरेंट में वहाँ पे हमने अलहमदिल्ला अच्छे से खाना खाया और ये मेरा फेवरेट बल्ली मलाई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फिर खाना खाने के बाद हमने वो लिया और फिर वो So yummy. The next day. और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कर रहे थे जो कि था जलेबी फापड़ा बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है और फिर उसके बाद हम निकल गए हैं मार्केट के लिए मतलब हम बस खाते सो और सो जाते थे मतलब सुबह में हम अगर मार्केट से निकलते थे और तो रात में हम सोने के लिए जाते थे इतना हेक्टिक चल रहा था बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत शूट किया ज़्यादा मुझे शूट भी नहीं करने मिला क्योंकि शॉपिंग करते वक्त नहीं होता है फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं भूलेश्वर मार्केट आप सबको पता ही होगा भुलेश्वर मार्केट ब्राइट टल शॉपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है तो हम भी वहां पे गए और ये जो भुलेश्वर मार्केट अंदर की तरफ है वो पूरा होलसेल में है वहां पे आपको जो भी एसेसराइज आपको चाहिए मतलब आपके पिंस हो रबड़ हो क्लिप्स हो बाकी बहुत 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 तरह की ज्वेलरी बहुत छोटी मोटी जो चीज़ें हमारी होती है ना बहुत ही अच्छे रेट्स में और मतलब आपको रिटेल कोई कोई होलसेल की शॉप है जहाँ पे एक पीस आपको लेके नहीं चलता बहुत से पीस लेने पड़ते हैं तो आपकी फैमिली में अगर ज़्यादा लोग हो ज़्यादा बहने हो तो आप ले सकते हो तो कोई कोई शॉप रिटेल की थी कोई कोई होलसेल की थी तो आप होलसेल रिटेल दोनों ले सकते हो फिर वहाँ पे हमने एक चक्कर मारा मतलब राउंड लिया क्योंकि हमने वहाँ पे से कुछ कुछ खरीदा नहीं था हम वहाँ पे फिर से जाएंगे अभी हम जिस मेन काम के लिए भुलेश्वर आए हैं वहाँ पर जाते हैं हमें जाना था लहंगा लेने के लिए जो कि मुझे मेरी मेहंदी में वियर करना है तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक शॉप देखी थी और उससे उनसे मैंने बात करके रखा था तो मैं वो शॉप में जा रही थी यहाँ पे आप एंटर करोगे ना तो बहुत से वहाँ पे शॉप्स है ब्राइडल लहंगा के लिए तो लाइन से बहुत से शॉप है तो ये श्री जी वगैरह बहुत ही अच्छे और वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे कलेक्शंस है और साड़ीज़ वगैरह बहुत ही अच्छी मिलती है बट मुझे चाहना था सोनी ब्राइडल्स क्योंकि उनके इंस्टा पे मैंने कलेक्शन देखे थे और मैंने उनसे बात भी करके रखी थी तो मुझे वहाँ जाना था तो फिर हम आ गए हैं सोनी ब्राइडल्स आप मैप में डाल के जा सकते हो या तो इंस्टा पे उनकी आई डी भी है आप फॉलो कर सकते हो तो सोनी ब्राइडल्स में हमने लहंगा देखा और बहुत ही अच्छी वहाँ पे वैरायटीज है बहुत ही अच्छी मतलब थोड़ी हटके तो मुझे वहाँ पे अच्छे लगे कलेक्शंस तो मैंने वहाँ से अपना मेहंदी का लहंगा लिया और कौन सा लिया उसको देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वेडिंग डे का फिर उसके बाद बाहर निकलते ही बहुत सी आपको दुपट्टो दुपट्टे चप्पल वो सब की शॉप्स दिखेगी और ये तो 200 से 300 की रेंजेस में सैंडल्स थी तो मैंने भी ले ली और फिर से हम गए वही मार्केट में जो मैंने आपको पहले बताया था अंदर जो होलसेल वाली मार्केट थी वहाँ पे आके हमने सब क्लिप्स रबर वो सब सब जितना भी हमें चाहिए था वो सब उठा लिया और हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ा भुलेश्वर मार्केट से सीधा हम हो लिए ट्रेन पकड़े और फिर वहाँ से हम आ गए थे और यहाँ गांधी मार्केट गांधी मार्केट जो कि है सायन में किंग सर्कल में मार्केट है किंग सर्कल स्टेशन पे आप उतर जाओगे तो स्टेशन के पास में ही गांधी मार्केट है ब्रिज उतरने के बाद सीधा गांधी मार्केट ये ब्रिज आता है बीच में और वो ब्रिज के स्टेस उतरने के बाद नीचे गांधी मार्केट है और गांधी मार्केट में भी ब्राइडल शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वराइटीज़ है वहाँ पर आपको ज्वेलरी टॉप्स ड्रेसेस लहंगा साड़ी साड़ीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है वहाँ पर तो वो भी एक ब्राइडल शॉपिंग के लिए मतलब अगर आपकी शादी हो या आपके घर में किसी की शादी हो तो आपको ये वीडियो देख के डेफ़िनेटली थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाएगी तो गांधी मार्केट जाके मुझे साड़ी लेना था क्योंकि वहाँ पे हमारी पहचान वाली एक शॉप है मतलब पहचान के हैं भाई तो वो अच्छे से कम करके या मतलब रीज़नेबल रेट्स में और अच्छी अच्छी वैराइटीज़ में दे देते हैं तो ये तो साड़ियाँ मैंने ली नहीं मैंने जो ली है वो मैंने वीडियो में नहीं ली बहुत चालाक हूँ मैं भी <laughs> तो मैंने जो ली है मैंने वीडियो में नहीं ली मैं जब पहनूंगी तब आप देख लेना तब मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे शेयर करूंगी तो यहाँ पे शॉपिंग करते करते का टाइम कैसे गुजरता है हमें पता ही नहीं चलता वहाँ पे फिर रात हो गई थी फिर वहाँ से निकल के हम फिर आए थे मोहम्मद अली रोड हमने कुछ खाया थोड़ा बहुत और फिर यहाँ पे हम आ गए थे टॉवेल्स कर्टन वग़ैरह की शॉप पे और ये वाला किंग क्वीन वाला बाथरूम पूरा सेट था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया और ये कर्टन्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे तो हमें कर्टन्स कुछ चाहिए थे तो हमने वो ले लिए मतलब जो जो हमें ज़रूरत का सामान था हमने ले लिया उसके बाद थोड़ा चिल मारे हमने तो पिया और थोड़ा चिल मारा उसके बाद हम बैंगल्स की शॉप पे आ गए थे शॉप नहीं मतलब बाहर ऐसे जो होते हैं उनके पास से ही हमने बैंगल्स लिए बैंगल्स का आप सबको पता ही है बैंगल्स का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है बहुत ही ज़्यादा मुझे बैंगल्स पसंद आती है तो बैंगल्स हमने ले ली और उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली जो हमें लेनी थी फिर चप्पल की साइड में आ गए हमने तो ब्राइडल जो हमें चप्पल चाहिए थी वो हमने ले लिया फ्रूटवेयर वगैरह वे और फिर हम आ गए हैं क्रॉफर्ड मार्केट क्रॉफर्ड मार्केट के सामने ही आ, सब पूरे ब्यूटी सेंटर्स हैं मतलब आपको जो लिपस्टिक या कोई भी कॉस्मेटिक लेनी हो तो वहाँ पे सारे ब्रांड्स एक ही इसमें अवेलेबल होते हैं आपको जो ब्रांड का लेना हो तो आप ले सकते हो वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था तो मैंने थोड़ी ही क्लिप ली है आपको मैं शेयर करूंगी अलाउ नहीं था इसलिए ज्यादा नहीं ली यहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं मतलब एकदम फ्रेश वाले होते हैं थोड़ी प्राइसेस हाई होती है बट क्वालिटी अच्छी होती है और ये सब ऑर्गेनाइज़र्स बैग्स वो सब होते हैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र्स वो सब वहाँ पे बाहर अच्छे रेट्स में मतलब आपको बार्गेन तो हर चीज़ में करना ही पड़ता है और ये वहीं पे सामने है ब्यूटी पैलेस इसके अंदर सारे ब्रांड्स है मतलब कॉस्मेटिक्स के जितने भी ब्रांड्स इंडियन ब्रांड्स होते हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक्स चेक कर रही थी मुझे जो चाहिए थी तो मैंने सिलेक्ट करके ले ली उसके बाद फिर हम गए थे यहाँ पर मसाला सोडा कोई दो पीने के लिए तो हमने वो सोडा पिया और उसके बाद फिर हम चले थे पर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है अबायास के लिए अरेबियन कलेक्शन हम वहां पे गए तो इंस्टाग्राम पे बार बार रील्स आ रही थी तो मैंने सोचा जाके चेक ही करते हैं वहां पे क्या इतने अबायाज है तो अरेबियन कलेक्शन जाके मैंने भी अबायास देखा वहाँ पे थी अच्छी मतलब वराइटीज थी तो मैंने वहां से फैंसी वाला अबाया ले लिया आ, तो वहाँ पे थी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज थी और प्राइस वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई बोलते थे तो आपको बार्गेन करके वहाँ से ले लेना है ठीक है जो प्राइस बोलता है उसमें कभी नहीं लेना थोड़ा बहुत बारगेन करना फिर से हम आ गए हैं वापस बैंगल की तरफ मतलब बैंगल्स से हमारा मन भरता ही नहीं है हम फिर से आ गए थे बैंगल्स लेने के लिए और फिर बैंगल्स हमने वहाँ से भी ले ली ड्रेस उससे मैच करके वो सब करके बैंगल्स ले ली और ये वाले बैंगल्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे फेवरेट बैंगल्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सिंपल ऐसे और उसके बाद फिर हम ये वाला वीडियो है जब हम निकल रहे थे घर के लिए और बिग बॉस क्रेज़ ऑन हो गया है मैं बिग बॉस देख रही थी तो मम्मा ये वाला वीडियो ले लिया और शॉपिंग के लिए हम थे बहुत दिन चार पाँच दिन तो गए हमें क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें लेनी थी लेकिन मैंने वो वीडियोज़ ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मुझे शॉपिंग करने में टाइम ही नहीं आपको भी पता है फ्रेंड्स अब मेरी शादी है मुझे ही सब चीज़ें लेनी थी और और वीडियो भी बनाना और मैं ही और मम्मा ही थे तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही रहा था मतलब शॉपिंग करे कि वीडियो बनाए फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स लिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपने पूरा देखा होगा और आपको मैं बहुत ही आजकल इंतज़ार करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा काम है घर में और हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है अब क्या ही करें लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाया उसे एडिट किया मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस पर ढेर और ढेर कमेंट करोगे तो तो कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और हमारी सी एस टी से ट्रेन थी मॉर्निंग की तो हमने वो पकड़ के हम निकल गए थे घर के लिए और ये वाला पार्ट टू था और पार्ट थ्री भी मैं डालूंगी ये वाला एक है जो हम रिटर्न आ गए थे शॉपिंग करके और एक और है जो मैं सेकेंड टाइम गई थी शॉपिंग के लिए घर पे आके वापस फिर से गई थी तो वो वाला व्लॉग भी मैं जरूर डालूंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मुझे तो में याद रखिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें